दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो आप उसको नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक कैसे ले जाएं, और इस मेथड से आप 2 से 3 किलोमीटर तक बाइक को राइड करके नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बार बार कोशिश करने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी प्रॉब्लम में आप अपनी बाइक को नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक कैसे ले जाएं। तो दोस्तों हमारी बाइक का जो फ्यूल टैंक होता है वो बीच में से उठा होता है, जिस कारण आजू बाजू 2 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। और जो हमारा फ्यूल कनेक्शन होता है कार्बोरेटर के लिए वो होता है लेफ्ट कंपार्टमेंट से, तो वहाँ पर बिल्कुल अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो अगर आप अपनी बाइक को इस तरह से लीन करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो जितना पेट्रोल भी आपके राइट कंपार्टमेंट में है वो ऐसे करने पर लेफ्ट कंपार्टमेंट में आ जाता है, और अब आपके कार्बोरेटर को फ्यूल मिलने लगता है जिससे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी और आप इसको आराम से 2 से 3 किलोमीटर तक रन करके नियरेस्ट पेट्रोल पम्प तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा बाइक 1 से 2 बार में स्टार्ट हो गई है और अब आप इसको आराम से 2 से 3 किलोमीटर तक राइड करके नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।